ये कंडेंसर का तार है, ये भी कंडेंसर का तार है ये, और मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और ये भी कंडेंसर का तार है। तो यहाँ पे 80-80 का लगा हुआ था, इसमें दो कंडेंसर 80-80 के लगे हुए थे और इसमें भी 20 का कंडेंसर लगा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसको 6-7 साल हो गई तो अभी अपने आप लोड उठाने नहीं लग रही, अपना आप नहीं चल रही, तो हमने कंडेंसर इसके बदल दिए, लेकिन फिर भी क्या है कि नहीं चल रही। तो अब हम इसके कंडेंसर कैसे लगाएंगे वो देखो। तो इसमें मैंने एक कंडेंसर लगा दिया, तो मेरे पास क्या है, अभी तीन कंडेंसर है, तीन कंडेंसर है। ये जो तीनों कंडेंसर के तार को कॉमन कर लेते हैं एक तो जगह, तीनों कंडेंसर के तार देखो, एक एक दो और तीन, तीन तार हो गए, और तीनों कंडेंसर के तारों को हम मिला लेते हैं एक जगह पे। तो ये मैंने कॉमन कर लिया, मेरे पास तीन कंडेंसर हैं, तीनों के एक एक तार, एक तार इसका लिया, एक इसका लिया, तो तीनों के एक एक तार लेकर के मैं इनको कॉमन कर लेता हूँ ये, और इनको मैं मिला देता हूँ तीनों के एक एक तार। तो इस तरह से तीन तारों को मिला दिया और तीनों को इस तरह से फ्री छोड़ दिए ये, फ्री है ना। अब इनको कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास सबसे पहले तो ये एक रिंग पड़ी हुई है, तो इसको इसमें हम फिट कर देंगे जिससे कि लगाने में आसानी हो। तो मैं ये चढ़ा दिया ताकि कोई चूहे वगैरह नहीं घुसे इसके लिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसमें पो लेता हूँ, तो ये पो दिया, तीनों कंडेंसर इसमें होकर के मैंने निकाल दी, तीनों कंडेंसरों के तार ये निकाल दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो तीनों तार जो मैंने कॉमन किए थे, ये जो तीन तार कॉमन किए हैं, इनको मैं इसमें लगा देता हूँ, इस जगह पे इसमें इसमें बांध देता हूँ मैं। तो इसमें बंधेंगे नहीं उससे, तो इसको मैं इसमें एक ही जगह पे बांध देता हूँ तीनों तीनों तारों। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट, और इसको मैं यहाँ पे लगा करके इसको इसमें फिट कर देता हूँ, ये लो। तो इस तरह से मैं इनको फिट कर देता हूँ इसमें लगा करके, तो अब मेरे पास में तीनों तारों के तीनों कंडेंसर है। तो ये जो बड़ा बड़ा कंडेंसर है, इसका तार तो मैं इस काले वाले में लगा देता हूँ, काले वाले में लगा देता हूँ, और बाकी जो बचे जो कंडेंसर है, ये 120 का है, 120 mAh का है ना। पहले इसमें क्या 80-80 के दो लग रहे थे, तो दोनों की जगह पे एक ही लगा दिया, तो इसी से ही काम चल जाएगा, क्योंकि इसे मोटर लोड उठा लेगी। और फिर ये जो पुराना कंडेंसर था, ये बड़ा लोड नहीं उठा रहा, 20 का नया लेकर के आए थे, ये भी इतना ही बड़ा था लेकिन ये लोड नहीं उठा रहा, तो इसके साथ मैंने इसको और लगा दिया, तो अभी डबल कंडेंसर हो गए दोनों। तो दोनों के तार में इसको और ये पुराने वाला है, इसको दोनों को मैं एक जगह पर कॉमन कर देता हूँ, और इस वाले तार में लगाता हूँ उसको। ये लगा दिया, अब इन पे मैं अच्छे से टैप कर दूंगा जिससे कि ये कहीं बॉडी के टच नहीं हो।
तो मैं इस पे टेप कर देता हूँ। तो हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब टेप लगा देता हूँ मैं। ये मैंने टेप लगा दिया, टेप लगा दी। मेरे पास में एक कवर स्लिप है, इसको भी मैं चढ़ा देता हूँ इसमें, जिससे कि ये तार किसी के टच नहीं हो। और कवर स्लिप हटे नहीं, इसके लिए मैं क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ इस जगह पर। तो ये मैंने इधर टेप कर दी, टेपिंग। अभी क्या कवर स्लिप खुल सकेगी नहीं, फिर दूसरी कवर स्लिप और है, वो भी मैं इसमें लगाता हूँ। तो तार सही से लगा दी, और ये मैंने कवर स्लिप लगा दी इसमें भी। तो इससे क्या है कि ये लो, ठीक है, वायरिंग कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब मैं इसको क्या पैक कर देता हूँ। इस कंडेंसर को तो मैं ये वाले को चाहूँ तो मैं यहाँ पर लगा देता, तो इस कंडेंसर को तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, लेकिन इसमें आएगा नहीं। तो मैं क्या इसको पैक कर देता हूँ। इसका नट कहाँ है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ये जो कंडेंसर है, ये तार छोटा है, तो इसको मैं इधर फिट कर देता हूँ एक को। इस वजह से लोड नहीं दे रही थी, क्योंकि पहले तो दो कंडेंसर लगे हुए थे। तो ये जो दो कंडेंसर लगे हुए थे, ये वाला यहाँ पे लगा हुआ था ये, और इस जगह पे भी ऐसे कंडेंसर लगा हुआ था 20 mmg का। तो ये नया कंडेंसर लेकर के आए, दोनों की जगह पे ये वाला लगा दिया, ये वाला, लेकिन फिर भी चक्की चल रही नहीं। तो एक कंडेंसर दोनों में से मैंने एक यहाँ पे लगा दिया इसी जगह पर, इसके साथ में ही, तो अभी चक्की अपने आप चलने लग गई।